Well, hello guys, assalamu alaikum. I hope you're all fine. Welcome to another exciting tutorial, and in this video we will see how we can upload a file or a image to AWS S3 bucket with Node.js. So let's start it without wasting any time. तो बेसिकली यहाँ पर मैंने एक API रिक्वेस्ट बनाई हुई है. बेसिकली मैं आपको पहले बताया था कैसे मतलब मैं करूँगा क्या. मैंने एक पोस्ट रिक्वेस्ट बनाई हुई है, एक URL है लोकल होस्ट 3001 और इमेज का इसके अंदर राउट है, जिसको मैंने जो है वो एक फाइन क्या कहते हैं फॉर्म डाटा के अंदर मैंने जो है वो एक पैरम का पैरामीटर दिया हुआ है, और उसके अंदर मैंने इसकी टाइप फाइल रखी हुई है और इसको एक इमेज दे रहा हूँ. तो इसका रिस्पांस देख लेता हूँ कि मैं क्या आता है, फिर हम देखते हैं कि हमारी इमेज जो है वो कैसे रिप्रेजेंट होती है यहाँ पर. तो ये इसका रिस्पांस आ गया, इसने मुझे लोकेशन बताई. अगर मैं इस लोकेशन पे जाऊँ तो बेसिकली मुझे एक इमेज खोल के देगा, ये इसने मुझे एक इमेज खोल के दे दी. प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि मेरा नेट थोड़ा स्लो है. सो कैसे इसने इमेज अपलोड करी, किस क्या यूज़ किया नोड जेएस के अंदर, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर. सो ये मेरा कोड है, ठीक है. इसके अंदर जो है वो मैंने एक जो है वो कंट्रोलर बनाया हुआ है. कंट्रोलर के अंदर मैंने नाम रखा है अपलोड फाइल्स, आप कुछ भी रख सकते हैं. मैंने इसको एक ऐसी जेनरिक नाम रखा हुआ है, ठीक है. इसके अंदर मैंने जो है वो एक मेथड बनाया हुआ है, जो है कि अपलोड फाइल्स टू S3 AWS, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, ठीक है. इसके अंदर मैंने जो है रिक्वेस्ट लिया हुआ है, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स के अंदर मेरे पास फाइल आ रही हैं. अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ जो मैंने कंसोल कराया हुआ है, ये मेरे पास फाइल आएगी, ठीक है. इसके अंदर कुछ चीज़ें नेम डाटा इस तरह की चीज़ें हमारे लिए जो है वो डाटा ज़रूरी है, ठीक है, और मेन टाइप और नेम, ये तीन चीज़ें हम यूज़ करेंगे, ठीक है. अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने फ़ाइल को एक यूनिक नेम देने के लिए, क्योंकि अगर कोई सेम नाम से अपलोड करा बार पिक्चर तो वो यूनिक नाम से अपलोड हो वहाँ पर, तो इसलिए मैंने जो है क्या करा हुआ है, फ़ाइल के नेम के साथ जो है वो मैंने नाउ डेट जोड़ दी है. नाउ डेट यहाँ पर ये ऐसा नाम बनाएगी कि इसके आगे जो है वो नाउ डेट लिख देगी. अब डेट जो है वो इन्हीं नंबर्स के अंदर होगी, तो इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी. जैसे मैं यहाँ पर अगर जाऊँ तो यहाँ पर देखेंगे इसने ये नंबर डेट जो है वो ऐड करी है इसके आगे, सॉरी इसके पीछे, यहाँ पर ये इसने ऐड करी है डेट इन नंबर्स में, ठीक है, ये हो गया. अच्छा, ये होने के बाद जो है वो अब मैंने क्या करा कि एक यूटिल का फंक्शन बनाया हुआ है मैंने, जिसको रखा है मैंने अपलोड इमेज के नाम से, ठीक है. उसके अंदर जो है मैं रेस भेज रहा हूँ पूरा, ठीक है, एक फाइल नेम भेज रहा हूँ, और मैं भेज रहा हूँ पैरम्स. ये एक की है जो कि हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स के अंदर पैरम्स जो की आ रही थी वो की मैंने इधर भेजी है, ठीक है. ये मैंने सब कर दिया. अब हम देखूंगा, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर हो क्या रहा है. ओके, इस फाइल के अंदर मैंने क्या करा हुआ है कि मैंने कुछ कॉन्फ़िग की हुई है और कोई एक लाइब्रेरी इंस्टॉल की है. लाइब्रेरी मेरी है AWS-SDK, या आप NPM के जरिए इंस्टॉल कर सकते हैं सिंपल, ठीक है. और उसके बाद यहाँ से जब आप एक इंस्टेंस बनाएंगे बेसिकली AWS का S3 का, जिसके अंदर आप एक्सेस की ID देंगे, आप सीक्रेट की देंगे, आप रीजन देंगे, आप जो है वो अच्छा ये दो चीज़ जो है वो आपको आपके डैशबोर्ड से मिल जाएंगी. तो वो आप जब आसानी गूगल करके उसकी अमेज़ॉन की डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ के ही जब आप आसानी जनरेट करा सकते हैं, तो इसको मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है. रीजन के अंदर जब स्टैंडर्ड रीजन लिख दें US के S3 बकेट एंड पॉइंट, जब वो ट्रू कर दें, ठीक है, और एंड पॉइंट दे दें. एंड पॉइंट के अंदर सिंपल यह है HTTP से /बकेट का नाम, आपने जो एक बकेट बनाई होगी अपने अमेज़ॉन के ऊपर उसका नाम, ठीक है, .s3.amazon.com सही है, amazon AWS.com, ठीक है. यहाँ पर बकेट का नाम आएगा, मैं अपनी बकेट का नाम मैंने हाइड किया हुआ है बेसिकली, ठीक है. इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है अपलोड इमेज के नाम से, जिसके अंदर मैंने जैसे आपको यहाँ बताया था कि रिक्वेस्ट जाएगा, फाइल नेम जाएगा और पैरम जाएगा, जो कि की है, रिक्वेस्ट गई, फाइल नेम गई और की है. यहाँ पर जो है वो मैंने S3 का अपलोड का एक फंक्शन चलाया हुआ है, ठीक है. उसके अंदर कॉन्फिग एक ऑब्जेक्ट लेता है ये हमसे एक फंक्शन, जिसके अंदर मैंने बकेट लिखा है. बकेट जो है वो आपकी जो बकेट है वो नाम आएगा जो आपने ऊपर दिया था, ठीक है. की आएगी, की क्या थी, फाइल नेम, जो जो जिस नाम से आपकी फाइल सेव होगी, जैसे लिखा हुआ यू विल द फाइल विल सेव विद दिस फाइल नेम, ठीक है, और फाइल नेम हो जाएगा जो हमने जनरेट किया है. इसके अलावा बॉडी के अंदर जो वो अब यहाँ पर हमें जो मैंने कहा था आपको पहले कि डाटा का बहुत ज़रूरी है, डाटा हमारे पास बफर हो के आ रहा है, ठीक है. ये बफर जो है वो यहाँ पर पुट करना है बॉडी के अंदर. होगा कैसे, अब ये तो नॉर्मल, ये तो मैंने पैरेंट लिखा हुआ है, आपको कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता, जो भी ऑब्जेक्ट का नाम हो सकता है, तो वो ऑब्जेक्ट का नाम आप यहाँ पर डालेंगे जो मैंने आपको बताया था, ये पैरम्स, यहाँ पर पैरम्स इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का नाम पैरम्स था. आप यहाँ पर डायनेमिक लाके भी डाल सकते हैं, मैं सिर्फ उसके लिए बता रहा हूँ आपको, क्या कहते हैं एग्जाम्पल के लिए, वो आप डायनेमिक लाके यहाँ डालें, ये यहाँ पर आएगा, ये इस रिक्वेस्ट के फाइल के अंदर जाके देखेगा कि इस नाम से पैरम्स के नाम से कोई ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर जाओ डाटा निकालो और डाटा इसके अंदर डाल दो,
डेटा बफर में, ठीक है। इसी तरीके से कंटेंट टाइप जब आपको मिनी टाइप देनी, जो आपकी इमेज है या टेक्स्ट जो भी होगा वो यहाँ पर सेट हो जाएगा। और ACL जब पब्लिक रीड करना है, ताकि आप जो है वो डिफरेंट मतलब एक्सेस कर सकें उसको, उस URL को पब्लिकली। ये आपने कर दिया। इसके बाद ये प्रॉमिस अलाउ करता है आपको, ठीक है। डॉट प्रॉमिस का एक फंक्शन चला दें आप। अब प्रॉमिस करने के बाद आपका क्या होगा कि आपके पास डॉट देन मिलेंगे जो आप इस वेरिएबल में लेंगे। जब इस वेरिएबल में आपके पास बेसिकली एक प्रॉमिस आ गया, ठीक है। अब प्रॉमिस को रिजॉल्व कर सकते हैं, क्रैश हो सकता है, कैच हो सकता है। रिजॉल्व करने के लिए आप रिटर्न करें, रिटर्न के मैंने यहाँ पर डायरेक्ट इसलिए रिटर्न करा है ताकि जब वो अगर रिजॉल्व हो तो भी रिटर्न हो जाए, रिजेक्ट हो या कैच हो तो भी रिटर्न हो जाए। रिजॉल्व के अंदर मैंने सिंपल रिस्पॉन्स डॉट देन के अंदर अपना डाटा वेरिएबल कोई भी ले लिया, ठीक है, और रिटर्न के अंदर स्टेटस ट्रू और डाटा रिटर्न कर दिया। और कैच के अंदर मैंने रिटर्न जो स्टेटस फॉल्स करा, एरर दे दिया। तो यहाँ तक तो ये काम कंप्लीट हो गया कि ये इसको API के इस कंट्रोलर को रिटर्न कर देगा। इस रिटर्न के बेसिस के ऊपर मैंने सिंपल ये किया हुआ है कि रिस्पांस और स्टेटस में चेक करता हूँ, अगर वो ट्रू है तो रेस्ट जो वो सेंड कर दो रिस्पांस के साथ, और अगर फॉल्स है तो सेंड कर दो एरर के साथ। तो ये दो चीज़ें मैंने करी हुई हैं इस कंट्रोलर को सिंपल, जैसे हम यूज़ करते हैं। मैंने पिछली वीडियो डाली हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं API को गेट पोस्ट पुट की रिक्वेस्ट सारे तरीके से कैसे बनाते हैं। वो मैंने यहाँ पर करा हुआ है। एक ऐप डॉट पोस्ट का राउट है जिसके अंदर इमेज का राउट है स्लैश, और उसके अंदर अपलोड कंट्रोलर को निकाल के अपलोड कंट्रोलर के अंदर जो फंक्शन है अपलोड इमेजेस टू SVAWS वो मैंने कॉल कराया हुआ है। तो सिंपल सी चीज़ है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है। इसको मैं दोबारा से चला के दिखाता हूँ, सिर्फ मुझे एक चीज़ एक मिनट दिएगा, ठीक है। मैंने इसको सेव कर दिया अपनी कीज डालने के बाद, और मैं अगर ऐसे दोबारा से हिट करता हूँ तो देखिए यहाँ पर एक रिस्पॉन्स जनरेट होगा जो कि हमें एक न्यू जो है वो URL बना के देगा विद इमेज। तो अगर मैं इस पर जाता हूँ तो ये जिसने मुझे खोल के दे दी है, ये बेसिकली इमेज, मेरा नेट बहुत स्लो है तो इमेज बहुत टाइम लगा रही है, बेसिकली ये ऐसी इमेज खोल के दे देगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हो, होपफुली आपने लर्न किया हो बहुत कुछ। आई होप के बिगनर्स के लिए आसानी होगी। इस उम्मीद के साथ कि आपसे आप अपना सब ख्याल रखेंगे मिलते हैं अगली वीडियो में, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक शेयर कमेंट एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।